I welcome all the students of class 7 to the English literature class. In today's class, we'll be doing the poem, A Psalm of Life. We have already done the explanation of first two. Now, let's start with the third stanza. Third stanza says, in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. Students, पोएट इन वर्ड्स में ये कहना चाहता है कि जैसे एक वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो एक खुला मैदान है जंग का, ठीक है। मतलब हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना। बायवेक मतलब उतार चढ़ाव, मतलब हर एक समय के बाद। और फील्ड ऑफ बैटल बोला है, फील्ड ऑफ बैटल से यहाँ पे मतलब है कि ये नहीं कि लड़ाई हो रही है कोई, बैटल मतलब, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब यह है कि पोएट ये कहना चाहता है कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो एक बैटल की तरह है। क्यों है बैटल की तरह? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। लड़ाइयों का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा पड़ाव आते हैं। जैसे कोई किसी को कुछ काम करना है, किसी को कुछ काम करना है, तो कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज लाइफ में आती रहती हैं, परेशानियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं। अब जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ये भी एक ज़िंदगी का पड़ाव है ना, कि इसको आप कैसे क्रॉस करेंगे। कुछ लोग हैं जो इसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कोई नहीं, अगर बीमारी है, परेशानी है, तो वो एक दिन चली भी जाएगी, ठीक है। बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, और हमें उन जानवरों की तरह नहीं रहना। मतलब ड्रिवन मतलब जो किसी के साथ चले जाए, जैसे भेड़ को कहते देखा होगा आपने कि वो क्या है, वो अपने मालिक के साथ साथ चलते रहते हैं। हमें भीड़ में एकदम से ऐसे सबके साथ नहीं चलना, हमें कुछ ऐसा काम करना है कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे प्रूव करें कि हाँ, हमने बहुत अच्छा काम किया और हम हीरो हैं, ठीक है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, और हम अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष करें, इतनी मेहनत करें, जिससे कि हमारा नाम रोशन हो कि हाँ, उसने कोई काम किया है, जानवरों की तरह बस भेड़ चाल में चलते हुए नहीं जाना। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद द हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। और वो बोल रहे हैं कि क्या होता है, हम जब गिरते हैं किसी काम को करने में, जब हमें असफलता मिलती है, तो हमें निराश नहीं होना है, हमें उठना है और फिर से वह काम करते रहना है। जैसे अगर कोई बच्चा है, किसी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है, तो फिर क्या करना है, इस बार अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, जिससे कि अगली बार हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, ठीक है। और हमें सिर्फ यह सोचना है कि हम क्या अचीव कर सकते हैं, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हमें उस चीज़ के पीछे भागना है जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हमें कोई चीज़ एक बार नहीं मिली तो हम अपनी ज़िंदगी रोक लें और चुपचाप बैठ जाएं, नहीं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, मतलब हमें लेबर करता रहना चाहिए, मेहनत करती रहना चाहिए, और जो उसका फल है वो एक दिन हमें ज़रूर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका होमवर्क है, आप इस पोएम का जो मैंने सेकंड पार्ट आपको कराया है, उसकी एक्सप्लेनेशन को आप आज फिर से अपने वर्ड्स में लिखेंगे। ओके, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप्स में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, भेज दूँगी मैं आपको। थैंक यू।